हेलो बच्चों, आज मैं आपको सोने की अंडा देने वाली एक मुर्गी की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक आदमी था और वो अंडे का व्यापार करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म भी था। उसमें बहुत सारे मुर्गियां थे। हर दिन वो आदमी पोल्ट्री फार्म में आकर सब मुर्गियों का देखभाल करता था और जो भी अंडे आते थे उसको मार्केट में बेचकर आता था। एक दिन वो सड़क पे जा रहा था और एक मुर्गी को देखा। वह मुर्गी बहुत प्यासी और भूखी थी। उस मुर्गी को उठाकर घर लेके आ गया और उस मुर्गी को बहुत प्यार से पालने लगा। धीरे धीरे उस मुर्गी तंदुरुस्त बन गई और वो आदमी उस मुर्गी की बहुत ख्याल रखने लगा। हर दिन की तरह वो अपने फार्म पे आया और वो मुर्गी के दिए हुए अंडे को देखकर चौंक गया। वहां पर एक सोने का अंडा था। अरे ये क्या है, ये तो सोने का अंडा लग रहा है। हाँ ये सोना का ही अंडा है। मेरी तो किस्मत निकल पड़ी, अब मजा आएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। उस दिन के बाद हर रोज वो मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी। उस अंडे को लेकर वो आदमी सब जरूरत की चीजें खरीदने लगा। कुछ ही दिन में वो गाड़ियाँ, एक बड़ा सा मकान और बहुत सारे गाय और बैल भी खरीद लिया। एक महीने के बाद उसको घर में खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतने में उसके मन में लालच की वजह से एक बुरी ख्याल आया। वो उस गांव में और सारे दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनने की सोच में पड़ गया। अगले दिन वह फार्म में जाकर देखा तो एक ही सोने का अंडा दिखाई दिया। तब तक उसका मन लालच से भर गया था। ये रोज रोज एक अंडे को लेकर सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकता। क्यों ना आज मैं इस मुर्गी को काट कर सब अंडे एक ही बार निकाल देता हूँ और इस दुनिया में बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं। और वो आदमी लालची से उस मुर्गी की पेट काट डाला। काट के देखा तो उसमें कोई भी अंडा नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो गया, इस मुर्गी के पेट में एक भी अंडा नहीं है। अब मैं क्या करूं, मेरी लालची की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच की वजह से हमेशा नुकसान ही होता है। कोयल का बड़ा अंडा। आज वो दिन है, पापा कहलाने का दिन है। मेरे अंडों ने कहा था मुझे कि आज वो दिन है, आज वो दिन है, हाँ हाँ आज वो दिन है। वाओ, आज मैं पापा बनूंगा, मैं पापा बनूंगा। अरे नहीं, अरे नहीं, मैं शिकायत करूंगा। दरवाजा खोलिए स्वामी जी, दरवाजा खोलिए स्वामी जी। क्यों वत्स, कैसे आना हुआ? ये मेरे साथ हमेशा होता है स्वामी जी। क्यों, क्या हुआ? धोखा दिया है उसने। मेरा मन बिल्कुल नहीं है अच्छा। मेरा अंडा फूटा भी और निकला कोयल का बच्चा। मैं सच कह रहा हूँ स्वामी जी, कोयल हमेशा करे ऐसा ही, मेरे अंडों में मिला देता है अपने अंडे भी, पता नहीं क्यों। कुछ तो कीजिए, कम से कम चेतावनी तो दीजिए उसे, नहीं तो मैं दूंगा एक कनपटी के नीचे। ये उसको बता दीजिए, धोखा दिया है उसने, मेरा मन बिल्कुल नहीं है अच्छा। रुको रुको, अभी फोन लगाता हूँ कुहू को, ऐसा कैसे हो सकता है? कुहू, तुमने किया क्या है कालू के साथ? मैंने क्या किया, क्या हुआ? कालू तो शिकायत कर रहा है। अच्छा, शिकायत? मैं अभी आकर समझाती हूँ स्वामी जी। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ स्वामी जी, बताइए
क्या हो गया? तुमने फिर से किया क्या? मैंने क्या किया? मैं अपने अंडों को छोड़ूं क्यों घोंसले में? मैं रखाई अपने अंडे झील किनारे में, और वैसे भी मेरे अंडे हैं बहुत बड़े, इसीलिए दूर रखती हूँ उन्हें, समझे कालू? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। चलो दिखाओ मुझे कहाँ है अंडे। चलो फिर झील के पास वाले बाग में। मेरे गोरे चिट्टे अंडे, मेरे बोलते डोलते अंडे, मेरे अंडे। देखा ना कितने बड़े हैं मेरे अंडे, अब यकीन हुआ या नहीं? तुम मेरे अंडों से बात करना चाहोगे? कैसे हो बेटा, जरा अपना हाल सुनाओ, खुद को थोड़ा टटोलो और कुछ बातें बतलाओ। कैसे हो बेटा, जरा अपना हाल सुनाओ, जरा अपना हाल सुनाओ। मुबारक हो, तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं। तुम अपने प्यारे बच्चों को जल्दी ही देखने वाले हो। नहीं, चलो यहाँ से, जल्दी चलो सब यहाँ से। नहीं नहीं, तुम्हारा बच्चा अभी दुनिया देखेगा, चलो उसे देखें। नहीं नहीं, अगर खुद की जान प्यारी है तो चलो भागो यहाँ से, मैं तुम सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ। मर गए, ये तो मगरमच्छ का बच्चा है स्वामी जी। भागो भागो, भागो। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। आउच, आउच। छूट को लंबे समय तक छुपाकर रखना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम कभी झूठ न बोलें। ये बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक ताकतवर शेर आया। वह अपनी मर्जी से जब चाहता किसी भी जानवर को पकड़कर मार डालता और खा जाता। धीरे धीरे जानवर जंगल में कम होने लगे। इस बात से परेशान होकर सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया और शेर से मिलने पहुंच गए। वहां पहुंचकर सभी जानवरों ने अपनी बात शेर के सामने रखी। हाथी बोला, जंगल के हम सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय? हम में से हर रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आएगा, आपको शिकार ढूंढना नहीं पड़ेगा। अरे मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं, कैसे विश्वास करूं? ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में हम सब मर जाएंगे, जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। आप तो राजा हैं, हमें सेवा का मौका दे दीजिए। ठीक है, लेकिन समय से हर रोज भोजन भेजना ही होगा, वरना। अब हर रोज एक जानवर भोजन बनकर जाने लगा। एक दिन चालाक खरगोश की बारी आई। खरगोश नियमित समय पर नहीं गया। उसके दिमाग में एक उपाय चल रहा था, जिसके चलते वह देरी से गया। जब वह वहां पहुंचा, शेर बहुत गुस्से में था। इतनी देर कैसे हो गई? तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें खाने से तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। मेरे साथ एक और जानवर भी आया था राजा जी, लेकिन उसे रास्ते में एक और शेर ने खा लिया। इस जंगल में मुझसे बलवान शेर, मुझे दिखाओ किसने मेरे भोजन पर अपना अधिकार किया। महाराज मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, चलिए। खरगोश शेर को जंगल में कुएं के पास ले गया। महाराज वो शेर इसी कुएं के अंदर छिपा है। शेर ने उस कुएं में झांका, वहाँ उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा। शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया। कुएं से बाहर ना निकल पाने के कारण बेचारा शेर वहीं मर गया।
अब सभी जानवर खरगोश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। खरगोश की चतुराई से सभी जानवरों की जान बच गई थी और वे सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। आसमान गिर रहा है, तेज तूफान चल रहा था, पूरे जंगल में तेज हवाओं का शोर था। इस शोर ने नन्हे खरगोश को बुरी तरह से डरा दिया था। ओ, ओ, ये कैसी डरावनी आवाज आ रही है, मुझे कहीं खुद को छुपा लेना चाहिए। ओ, हे भगवान, मुझे बचा लो। खरगोश अपने बिल में जाकर छुप गया, जो एक आम के पेड़ के नीचे था। अचानक उसने एक बहुत डरावनी आवाज सुनी। डरा हुआ खरगोश अपने बिल से उछल कर बाहर आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और खरगोश डर के मारे भागने लगा। रास्ते में उसे भेड़िया मिला। भेड़िये ने खरगोश से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो भाई, क्या हुआ मुझे बताओ। क्या तुमने डरावनी आवाज नहीं सुनी? अरे भागो, क्या तुम्हें नहीं पता आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, भागो भागो। यह कहकर खरगोश फिर से भागने लगा। यह सुनकर भेड़िया भी खरगोश के साथ भागने लगा। इन्हें देखकर बाकी जानवर जैसे हाथी, जिराफ, घोड़ा और बंदर सभी इनके साथ भागने लगे। सभी जानवरों की आवाज सुनकर शेर गुफा से बाहर आता है और दहाड़ते हुए गुस्से में पूछता है, तुम सब क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? खरगोश ने जवाब दिया, आसमान गिर रहा है। शेर यह सुनकर हैरान हो गया, तुमसे किसने कहा कि आसमान गिर रहा है? खरगोश ने शेर को सब बताया, लेकिन शेर को खरगोश की बात पर यकीन नहीं हुआ। शेर ने खरगोश को उस जगह पर लेकर जाने को कहा जहां आसमान गिर रहा था। खरगोश, शेर और सभी जानवरों को साथ लेकर आम के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन सबने वहां क्या देखा? ये क्या, वहां तो एक बड़ा आम गिरा पड़ा था। ये देख शेर जोर से हंसने लगा। हो हो हो। सभी जानवर अब समझ चुके थे कि वो खरगोश की बातों में आ गए थे। हमें बिना सोचे समझे किसी भी फैसले पर नहीं आना चाहिए।